हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे बिस्किट कस्टर्ड पुडिंग। बहुत ज़्यादा टेस्टी यमी डिज़र्ट बनकर तैयार होती है, जिसको बनाना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा जल्दी आप तैयार कर सकते हैं इस पुडिंग को। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध लिया है, जो नॉर्मल दूध हम घर में इस्तेमाल करते हैं ये वही दूध है। और इसमें डालेंगे 3 चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर, ये इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें मैं 1/4 कप चीनी का इस्तेमाल करूँगी। ये इसमें डालकर हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको पकने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने चीनी का कम इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं इसमें बनाना का इस्तेमाल करूँगी। और ये मैंने पकने के लिए रख दिया है। 5 से 6 मिनट इसको हाई फ्लेम पर हम इसी तरह लगातार चलाते हुए पका लेंगे, जब तक कि ये अच्छा गाढ़ा ना हो जाए। तो 5 से 6 मिनट हमें इसी तरह से इसको पका लेना है। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छा गाढ़ा हो चुका है। 5 से 6 मिनट में गैस को हम बंद करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हम इसको ठंडा करेंगे ढककर, ताकि इस पर कोई पपड़ी ना जमे, नहीं तो हमारा कस्टर्ड पुडिंग बेकार हो जाएगा। तो इसको ढककर मैं ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मारीगोल्ड के बिस्किट लिए हैं, तो आधे से ज़्यादा बिस्किट मैंने ले लिए हैं। और ये कस्टर्ड भी हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको इस तरह से इसको लम्स फ्री कर देंगे, बिल्कुल एकदम स्मूथ कर लेंगे। और अब हम अपनी पुडिंग तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, कस्टर्ड बहुत अच्छा सा तैयार है। यहाँ पर मैंने ली है एक सर्विंग डिश और 1/2 कप दूध लिया है। इसमें डिप करके हम बिस्किट को इस तरह से इसमें अरेंज कर देंगे। एक लेयर हम बिस्किट की लगा देंगे। और ये देखिए, मैंने इसमें बिस्किट की लेयर लगा दी है। अब मैं इस पर लगाऊंगी कस्टर्ड। तो यहाँ पर मैंने बनाना का भी इस्तेमाल किया है, आप चाहें किसी और फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप बनाना को स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए, बनाना मैंने एक लेयर लगा देनी है इस पर। यहाँ पर मैंने कस्टर्ड में इसकी वजह से, बनाना की वजह से मीठे को कम रखा है। अगर आप इसको स्किप करते हैं तो आप मीठे को बढ़ा सकते हैं, यानी कि मैंने रखा है 1/4 कप, आप 1/3 कप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। तो बिस्किट की लेयर मैंने दोबारा से लगाई है, फिर मैंने बनाना की लेयर लगा दी। तो यहाँ पर कस्टर्ड की एक लेयर फिर से लगा देंगे। और ये देखिए, मैंने बचा हुआ सारा कस्टर्ड इस पर लगा दिया है। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बिस्किट का चूरा ले लिया है और इसको हम साइड में लगा देंगे। आप किसी भी तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो चारों तरफ मैं लगाऊंगी ये बिस्किट का चूरा। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। फाइनली हमें इसको डेकोरेट कर लेना है। और ये देखिए, बिस्किट का चूरा मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पर मेरे पास केक वाली क्रीम है पाइपिंग बैग में, और स्टार नोज़ल लगा हुआ है। इससे मैं फ्लावर बना देती हूँ, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। मेरे बच्चों को ये क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसलिए इसको इसे डेकोरेट करे दे रही हूँ। और ये देखिए, मैंने फ्लावर इस पर बना दिए हैं। अब मैं इस पर लगा देती हूँ टूटी फ्रूटी। तो ये देखिए, हमारी डिज़र्ट कितनी अच्छी दिखने लगी है, और ये वैसे खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब हम इसको रखेंगे 3 से 4 घंटे फ्रिज में ठंडा होने के लिए, ठंडा ठंडा हम इसको सर्व करेंगे। तो ये देखिए, हमारी पुडिंग बनके तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी ये बनकर तैयार होती है। अब हम इसको ठंडा ठंडा सर्व कर लेंगे। मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कैसी बनी है ये पुडिंग। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी यमी पुडिंग बनकर तैयार होती है, ये मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। तो मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी यमी बनकर तैयार हुई है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।